हेलो फ्रेंड्स, 29 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है गवर्नमेंट टू शेड स्टेक इन लॉस मेकिंग एयर इंडिया। तो ये एयर इंडिया का इश्यू हम कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं और अभी आगे भी डिस्कशन में आने वाला है। तो अभी भी जो न्यूज है वो एक लिंक है जो हमने पहले डिस्कस किया और जो आगे होने वाला है उसके बीच में। तो ये क्या डिसीजन लिया गया है, ये न्यूज है कि यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। तो जो ये प्लान किया गया था कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, स्ट्रेटेजिक सेल करना है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इफ यू रिकलेक्ट, डिपैम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट है। उन्होंने तीन ऑप्शंस रखे थे कैबिनेट के सामने, यूनियन कैबिनेट के सामने, कि या तो 100% स्ट्रेटेजिक सेल किया जाए, या 74% या 51%। तो वो डिसीजन अब तक लिया नहीं गया है और अभी भी न्यूज यही है कि यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि स्ट्रेटेजिक सेल होना है, पर कितना होना है अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। इसके लिए क्या है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया जाएगा जिसके हेड हो गए फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। इसको बाकी मेंबर्स भी सिलेक्ट किए जाएंगे और ये डिसाइड करेगी फाइन प्रिंट्स कि ये जो एयर इंडिया है इसको स्ट्रेटेजिक सेल करना है तो कैसे होना है। तो ये अभी न्यूज है, तो आगे जब ये डेवलपमेंट हो गए तो फिर से ये न्यूज में आने वाला है। तो वो है एयर इंडिया को एक्चुअली नेशनलाइज किया गया था अराउंड 64 ईयर्स अगो, तब ये टाटा के अंदर थी, इसको नेशनलाइज किया गया था। तो अब इसको फिर से हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी लॉस मेकिंग रही, इसको हमने कई बार डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो ये नई मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनेगा उसमें उनको 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए जिनमें उनको डिसाइड करना है। तो एक है कि अनसस्टेनेबल डेट के साथ क्या करना है, कैसे उसको टैकल करना, इवन थोड़े एसेट से क्या वो शेल कंपनी को दिए जा सकते हैं तो कैसे करना है, फिर डीमर्जर करना चाहिए क्या, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन प्रॉफिट मेकिंग, थोड़े एयर इंडिया सब्सिडियरीज जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, उनको डीमर्जर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या करना है, कैसे करना है, क्वांटम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कितना डिसइन्वेस्ट करना है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि 100%, 74% या 51%, वो डिसाइड करेंगे। और यूनिवर्स ऑफ बिडर्स मतलब जो ये स्ट्रेटेजिक सेल होगा उसमें जो बिडिंग करेंगे तो वो कौन होंगे, बिडर्स कौन होंगे, क्या ओनली इंडियन कंपनीज अलाउड होगी, क्या फॉरेन कंपनीज भी अलाउड होगी या नहीं, तो वो क्वेश्चन है। तो ये सब डिसाइड करेंगे मिनिस्ट्रियल ग्रुप और आगे अब स्टेप्स लिए जाएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है PLA कंस्ट्रक्टिंग रोड इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ट्राई जंक्शन सेज भूटान। तो भूटान ने अब पॉइंट रेस की है कि जो ये इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन है, इसको दोलम प्लेटो कहा जाता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जा रही है, तो ये इसको डोंगलांग कहते हैं इन चाइनीज या तो डोकलाम कहते हैं, तो ये जो नाम है सब सेम ही नाम है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो छोटी सी रीजन है जहां से हमारा मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है, तो दोनों नॉर्थ ईस्ट और इंडिया कनेक्ट होते हैं मेनलैंड इंडिया थ्रू दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नैक। तो इतना पतला है इसलिए उसको चिकन स्नैक कहा जाता है, तो उसका वो नेम है। तो ये जो रीजन है इसके, ये नथुला पास इससे काफी पास है, जहाँ ये नथुला के पास पास के पास ही ये रीजन है। तो ला एक्चुअली एक मीनिंग तिब्बतन लैंग्वेज में मीनिंग इसका पास ही होता है, तो नथुला, तो ये माउंटेन पासेज है। तो यहाँ से इवन कैलाश मानसरोवर यात्री अभी जा रहे हैं फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज, तो उनको भी चाइनीज मिलिट्री ने रोका है, उनको आगे जाने के लिए नहीं दिया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो अब चाइनीज मिलिट्री कह रही है कि हमारा एक्शन जस्टिफाइड है क्योंकि इंडिया ने जो स्टैंड लिया है वो उनको करेक्ट करना होगा, इंडिया शुड करेक्ट इट्स एरर्स, ये चाइना कह रही है। तो इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है, क्योंकि भूटान ने ऑब्जेक्शन रेस किया है कि ये दोलम प्लेटो, डोंगलांग या डोकलम जो ये रीजन है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन भूटान एंड चाइना। तो चाइना ये भी कह रही है कि ये भूटान का पर्सनल मैटर है, आप किसी और की कंट्री के लिए क्यों आप बात करो, ये वो सोवरेन कंट्री है, उनकी सोवरेनिटी को आप क्यों एनक्रोच करो, ऐसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, ये भूटान सोवरेनिटी का क्वेश्चन है। तो वही है, लेकिन ये दोनों के बीच का कंसर्न है, पर ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसीलिए इंडिया ने भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया है क्योंकि चाइना यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है और भूटान कह रही है ये हमारी टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप क्यों यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, पर चाइना कह रही है नहीं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं, ये हिस्टोरिकली हमको ही बिलोंग करती है। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पे जो हम देख रहे स्टैंड ऑफ वो यहाँ पे हो रहा है।
तो कैलाश मानसरोवर यात्री को भी रोका गया, तो चाइना उसको जस्टिफाई करती है कि ये स्पेसिफिक प्रेजेंट केस है, हमने इमीडिएट एक्शन लिया है, अगर चाइना अगर इंडिया अपने एरर्स करेक्ट कर देगी तो हम इसको फिर से इनिशिएट कर देंगे। तो वो है, फिर यहाँ पे वही है। तो ये जो है 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी, जिसके अंदर चाइना ने इजिली हमको हरा दिया था, शॉक कर दिया था एक्चुअली हमको। इट वाज बाय शॉक, वी डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट, हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि वॉर होगी, और वॉर हो गई थी। उन्होंने इनिशिएट किया था और जल्द से कंक्लूड भी कर दिया। तो यहाँ पे ये उसके बाद काफी सारे स्कर्मिशेस हुए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी, लद्दाख में भी। तो ये हम अभी जो देख रहे हैं वो एक्चुअली 2008 में भी सिमिलर, ये सेम डोकोला जो ये पास है, इसके पास ही ये जो है डिस्प्यूट हुआ था। और अब फिर से वही इंडिया के जो बंकर्स है यहाँ पे, चाइनीज ट्रूप्स ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, यही सिक्किम भूटान तिब्बत जंक्शन पे, वही हम देख रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, शेड हेट नॉट ब्लड से प्रोटेस्टर्स। तो अब ये जो है यहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे, काफी सारे लोग यहाँ जमा इकट्ठा हुए थे और ये प्रोटेस्ट कर रहे अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। तो ये काफी सारे इंसिडेंट्स हमने देख लिए अभी तो मॉब लिंचिंग के। तो लेटेस्ट जो इंसिडेंट यहाँ पे जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो था जुनैद खान का। तो ये यूपी के जुनैद खान एक यूथ, वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे वेयरिंग द मुस्लिम स्कल कैप, जो वो सिर पे टोपी पहनते, तो उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया कि ये बीफ ईटर है। और उनको वहां पे सो कॉल्ड काउ विजिलेंस ने अटैक किया, लोग वहां पे वीडियोस ले रहे थे, उनकी मदद को नहीं आए और उनकी डेथ हो गई। तो ये है, उससे पहले जो पहलू खान, इनका इनके ऊपर काउ विजिलेंस ने अटैक किया था बीफ ईटर कह के यूपी में। तो ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं इसके प्रोटेस्ट में यहाँ पे जंतर मंतर में दिल्ली में यहाँ पे प्रोटेस्ट किए गए। इवन 16 अदर सिटीज में, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, इवन इंटरनेशनली लंदन, टोरंटो, कराची में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किए गए अगेंस्ट दिस सो कॉल्ड मॉब वायलेंस फॉर बाय काउ विजिलेंस। फिर अगला न्यूज आइटम है, बोंडला जूज लोन टाइग्रेस डाइज। तो ये बोंडला जू, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली ये गोवा में है। तो ये एक्चुअली काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ऑल ओवर द कंट्री, और यूपीएससी में प्रीलिम्स में जनरली सवाल पूछे जाते हैं ऑफ मैच मैच करना है। तो अब ये सब याद रखना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अगर आप जैसे जैसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह न्यूज में आते हैं उनको आप देखते रहोगे तो आपको वो रिकलेक्ट करना ईजी हो जाएगा। तो ये बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा की है, तो यहाँ पे एक ही टाइग्रेस थी और अब उसकी डेथ हो गई है। तो वो न्यूज है, तो ये एक्चुअली लाई गई थी फ्रॉम विशाखापट्टनम। 2009 में एक फ्रेंडली एक्सचेंज हुआ था। तो बाइसन, जो बाइसन इंडियन गौर जो एनिमल होता है, ये गोवा का स्टेट एनिमल भी है, तो इसके एक्सचेंज में यहाँ पे टाइग्रेस लाया गया था, लेकिन अब वो डेथ हो गई है। फिर अगला है, कांग्रेस वांट्स रेजोल्यूशन ऑन जर्नलिस्ट विड्रॉन। तो ये कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की ही जो गवर्नमेंट है कर्नाटका में पावर में है, और कर्नाटक का लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली दो कन्नड़ टेबलॉइड्स के एडिटर्स के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट किया, उनको इंप्रिजनमेंट और फाइन दिया फॉर कंटेम्प्ट। तो ये एक्चुअली प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया गया। तो ये जो प्रिविलेज मोशन है ये क्यों है, क्योंकि प्रिविलेज प्रोविजंस यहाँ दिए गए हैं। तो प्रिविलेज मोशन का इनिशिएटिव इंडियन पार्लियामेंट में लिया जा सकता है फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। मतलब अगर प्रिविलेज भी क्या होता है, प्रिविलेज मतलब स्पेशल आपको नो प्रोविजंस दिए गए, प्रिविलेजेस दिए गए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी है सारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स के, और इवन कलेक्टिव प्रिविलेज है लेजिस्लेटिव बॉडी की। तो जो एमएलएज है सेंट्रल लेवल पे, एमपीज है सेंट्रल लेवल पे, एमएलए स्टेट लेवल पे, एमएलसीज है स्टेट लेवल पे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सारे ये सारे मेंबर्स जो है इंडिविजुअली इनके पास इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, इवन अगर कोई पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इनका, तो ये अरेस्ट नहीं किए जा सकते फॉर एनी सिविल केस। क्रिमिनल केस में अरेस्ट हो सकता है, पर सिविल केसेस में इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता 40 डेज बिफोर सेशन एंड 40 डेज आफ्टर सेशन टू, और वाइल द सेशन इज गोइंग ऑन, पूरे टाइम में, पूरे टाइम पीरियड में इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इनको पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिविजुअली कि आप जो लेजिस्लेटिव बॉडी में आप बोलोगे उसके ऊपर आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे उनको जूरी अटेंडेंस भी, आप जब सेशन चल रहा है आपका लेजिस्लेटिव बॉडी में, तो आप जूरी के लिए भी कोर्ट में अटेंडेंस भी आपके ऊपर मैंडेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, और कलेक्टिव प्रिविलेज भी है कि वन ऑफ द मीन के लेजिस्लेटिव बॉडी अपने कंटेम्प्ट के लिए इनिशिएट कर सकती है एक्शन अगेंस्ट इट्स ओन मेंबर्स एंड अगेंस्ट आउटसाइडर्स आल्सो। तो वही पावर यूज करके उन्होंने प्रिविलेज मोशन पास किया, और ये दो कन्नड़ टेबलॉइड्स के एडिटर्स को इंप्रिजनमेंट और फाइन किया। तो इसके ऊपर काफी
कंट्रोवर्सी हो गई है, तो अभी कांग्रेस का पॉलिटिकल पार्टी है वो इस डिसीजन से अपने आप को दूर हटा रही है और वो ये क्राइसिस उसको रिजॉल्व करने के लिए अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इशू क्या था, इन्होंने जो जो पब्लिश किया था, तो ये 3 MLA कह रहे हैं कि ये डिफेमेटरी और फॉल्स आर्टिकल्स है जो इन्होंने पब्लिश किया, तो इसीलिए कंटेम्प्ट प्रोविजन उनके अगेंस्ट इनिशिएट किया जा रहा है। तो ये क्लियरली पता चलता है कि ये सिर्फ एक टैक्टिक है उनको डराने के लिए, जर्नलिस्ट को डराने के लिए, तो इसीलिए इसको एक इम्पोर्टेंट इशू माना जाता है और इसको स्ट्रांगली लिया जा रहा है। इवन कोर्ट में भी इसके लिए केस इनिशिएट किया गया है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगला है न्यू सैटेलाइट GSAT-17 टू बूस्ट इसरो कैपेसिटी। तो अब ये GSAT-17 सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडिया की लॉन्च की जाएगी फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना यहाँ है साउथ अमेरिका में। तो GSAT-18 ऑलरेडी हमने फ्रेंच गुयाना से यहाँ से लॉन्च किए हैं इन 2016 अक्टूबर। तो हम यहाँ पे इनकी सर्विसेज लेते हैं क्योंकि हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए अब तक हमारी कैपेबिलिटीज फुल्ली इन प्लेस नहीं है, हमको अभी भी जरूरत है। तो क्योंकि हमने लास्ट जो सैटेलाइट आप रिकलेक्ट करोगे हमने जो लॉन्च की थी वो थी GSAT-19, जो हमने GSLV-MK3 GSLV-Mk3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे लॉन्च की थी, जिसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, हमने क्रायोजेनिक इंजिन यूज किया था। तो हम अपना कैपेबिलिटीज बना रहे कि हम 5000 kg प्लस सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च कर सके, तो अब वही है। तो लेकिन वो हमने तभी भी डिस्कस किया था कि GSLV-Mk3 ट्वाइस अ ईयर यूज की जा सकती है, तो हमको और काफी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, इसीलिए हम अरायन रॉकेट की सर्विसेज ले रहे हैं। अरायन 5 रॉकेट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है, तो इनसे हमने काफी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की है सिंस 1981, जो हमने एप्पल एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च की थी। तो ये 21st इंडियन लॉन्च होगा अभी GSAT-17 का। तो ये नंबर्स भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनीवे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कौन सा नंबर कौन सी सैटेलाइट, तो ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बट यस, GSAT-19 हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, GSAT-18 भी लॉन्च हो गई है, 18 पहले हुई फिर 19 भी, अब GSAT-17 हो रही है। तो सैटेलाइट्स का एक ड्यूरेशन होता है, लॉन्जिटिविटी होती है, वो उसकी लाइफ खत्म हो जाने के बाद उसको रिप्लेस भी करना होता है। तो ये जो GSAT सैटेलाइट्स है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, तो अब टोटल हमारी 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो जाएगी G17 के बाद, जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, ट्रांसमिटर्स और रिस्पॉन्डर्स। तो ये 48 ट्रांसपॉन्डर्स थे GSAT-18 में भी, इसमें भी GSAT-17 में भी ये ट्रांसपॉन्डर्स यूज करके हमको सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रांसमिटर्स एंड रिस्पॉन्डर्स कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्निफिकेंट है। और ये सैटेलाइट सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड की जाएगी वो सी एक्सटेंडेड सी और एस बैंड में, तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जिनमें सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, और ये मेनली यूज किए जाएंगे फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीफोन सर्विसेज, राइट। तो ये, और अभी इसके बाद जो है GSAT-11 सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, तो ये अब बाद में लॉन्च होगी फ्रॉम अरायन, ऑन Orion 5 ओनली। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सर्विसेज हम यूज करेंगे। तो ये 5000 kg प्लस सैटेलाइट हैवी सैटेलाइट है, और इसरो का एक्सपेक्टेशन है कि GSAT-11 शायद हमारी लास्ट सैटेलाइट हो जो हम फॉरेन सर्विसेज यूज करके लॉन्च करें, फिर हमारी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज हमको बेनिफिट करेगी। और एक चीज जो सिग्निफिकेंस की है वो ये है कि ये सैटेलाइट लॉन्चेस कहाँ से होते हैं। तो ये फ्रेंच गुयाना, ये साउथ अमेरिका में ये रीजन है, कौरो रीजन है जहाँ पे ये फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर है जहाँ से ये लॉन्च होता है, क्योंकि लॉन्च जो होता है वो इस जो अर्थ रोटेट होता है उस डायरेक्शन में ही होता है। तो ये जो है ये रोटेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में सैटेलाइट लॉन्च होता है, प्लस जो है ये जो वाटर बॉडी होनी चाहिए आगे, तो वाटर बॉडी होनी जरूरी है क्योंकि अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट होता है तो लैंड एरिया में अगर होगा तो ह्यूज डिजास्टर माना जाएगा वो, तो इसीलिए वाटर बॉडीज के पास ही ये लॉन्च किया जाता है। इवन इंडिया कलेक्ट करो, ईस्ट कोस्ट श्रीहरिकोटा यहाँ पे जो लॉन्च होते हैं वो ईस्ट कोस्ट में अक्रॉस बे ऑफ बंगाल, तो ये है। और यूरोप में जो है तो ऐसी रीजन है नहीं, तो ये फ्रेंच गुयाना यहाँ पे, फ्रेंच गुयाना अगेन इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ फ्रांस, एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी ऑफ फ्रांस इन साउथ अमेरिका, यहाँ से ये लॉन्च किया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है, नॉट मच इम्पैक्ट ऑफ रैंसमवेयर अटैक ऑन इंडिया सेज गवर्नमेंट। तो ये अब नया रैंसमवेयर न्यूज में आया है, पेटिया। तो इसको पेटिया या नॉट पेटिया रैंसमवेयर कहा जाता है, क्योंकि पेटिया एक्चुअली एक रैंसमवेयर था जो अक्टूबर 2016 में अटैक इसके न्यूज में आए थे। तो अब ये थोड़े लोग मानते हैं कि इसको, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पेटिया है, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये पेटिया नहीं है, तो दोनों नाम दिए गए इसको, पेटिया नॉट पेटिया रैंसमवेयर। तो ये रैंसमवेयर सेकंड मेजर ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक है आफ्टर वॉनाक्रे, और दोनों वही है जो इटर्नल ब्लू, जो एक लूप होल है इन माइक्रोसॉफ्ट
के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक लूप होल है उसको यूटिलाइज करते हुए, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए इन्होंने पूरा अपना कोड लिखा है। और वनाक्राई कहा जा रहा है कि जो कोड था वो क्रूड कोड था, इतना स्ट्रॉन्ग कोड नहीं था, पर ये तो प्रोफेशनल्स का काम है, जो पेटिया नॉट पेटिया रैंसमवेयर है, तो ये काफी ज्यादा इसकी वजह से डैमेज होने की आशंका है। तो ये पेटिया के बारे में है। तो यहाँ पे इसकी वजह से यूरोप में काफी रीजन अफेक्ट हुई है। ये डैनिश बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है एपी मॉलर मस्क, ये काफी अटैक हुआ है। और जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है इंडिया में, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये मस्क ऑपरेट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी अटैक्स के न्यूज आई है। तो अब यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको कंटेन करने के लिए, वो है। और ये जो रैंसम मांगते हैं $300 का रैंसम मांगते हैं, न्यूज आती है कि आपका जो फाइल्स है वो एनक्रिप्ट किए गए हैं, तो वो आपको अगर ब्लॉक किए गए, अगर आपको उनको फ्री करना है तो आप रैंसम पे करो, $300 बिटकॉइंस में पे करो, तो ये पता भी नहीं चलता कि किसको पेमेंट किया गया। तो ऐसे वो रैंसम मांगते हैं और फिर आपकी फाइल्स खोलते हैं, तो ये रैंसमवेयर अटैक अब न्यूज में आ रहा है। तो इसके लिए काफी सारे मेजर्स भी मेंशन किए गए कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उसको अपडेट करना होगा, तो ये सारे अपडेटेड होने चाहिए सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये जो लूपहोल है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोड पैच रिलीज भी किया था MS-17010, तो उसको आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना है ताकि ये जो लूपहोल है वो यूज ना किया जा सके, उसको कवर किया जा सके। तो वो है। और ये लूप होल भी आपको पता होना चाहिए, पहले न्यूज में आ चुका है वनाक्राई के टाइम पे, कि ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो जो यूएस की है उनको ये इसके बारे में पता था, और उन्होंने इसको इटर्नल ब्लू कहा जा रहा है ये लूप होल को, तो उन्होंने इसको सीक्रेट रखा। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट को बताते तो माइक्रोसॉफ्ट स्टेप्स लेके इसको कवर करती इमिजिएटली, तो उन्होंने इसको सीक्रेट रखा और वहां से ये लीक होके इन हैकर्स के हाथ में आया, तो ये अब ग्लोबल हैवक क्रिएट कर रहे। तो वही यहाँ पे मेंशन किए गए थोड़े सेफगार्ड्स कि आप अटैचमेंट्स अनसॉलिसिटेड मेल से ओपन नहीं करो, आप यूआरएल जिसके कोई आता है अगर ईमेल में तो उसको ओपन मत करो, अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपडेटेड रखो। तो ऐसे सारे थोड़े नो सजेशंस मेजर्स सेफगार्ड मेजर्स दिए गए इवन बाय सर्ट इन। और ये भी कहा जाता है कि रैंसम की डिमांड आए तो आप रैंसम मत पे करो, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी फाइल्स रिलीज की जाएगी, बल्कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म करो। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, नेटो सेज नॉन यूएस 2017 डिफेंस स्पेंडिंग टू राइज 4.3%। तो ये नेटो के बारे में, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इधर 28 मेंबर्स है, ये 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस ट्रीटी, मतलब कोई एक कंट्री इधर अगर अटैक की जाएगी तो सारी कंट्रीज उसके रेस्क्यू के लिए आएगी। तो ये कोल्ड वॉर एरा की ये ट्रीटी है। तो ये नेटो अब तक फंक्शन कर रही है, 28 मेंबर्स है, और इसका जो डिफेंस बजट है वो मेजरली यूएस सपोर्ट करता है। तो यूएस 70% कंबाइंड नेटो डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो यूएस से आती है। तो यूएस ने कई बार नेटो के मेंबर्स के ऊपर नो प्रेशर डाला है कि वो इंक्रीज करे अपनी डिफेंस स्पेंडिंग, पर जो रीसेंट जो डिमांड की गई थी बाय प्रेजेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन मई 2017 जब ब्रुसेल्स में नेटो का जो समिट हुआ था, तब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड और नो क्रूड लैंग्वेज में जो डिमांड की गई कि आप अपना डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करो, वरना वॉशिंगटन कोई गारंटी नहीं दे सकती कि आपको डिफेंस आपके डिफेंस के लिए वो आएगी। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट रखी गई है। तो इसीलिए अब न्यूज यही है कि धीरे धीरे मेंबर्स अपना डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं। एक्चुअली नेटो के अंदर ये प्रोविजन है कि हर एक कंट्री को अपना 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग के लिए रखना है, तो काफी कंट्रीज का नहीं है 2%, यूएस का 3.6% ऑफ जीडीपी है। तो ऑफ जीडीपी मतलब जितना आपका जीडीपी है उस हिसाब से आप उतना परसेंटेज करोगे, वही है। तो इन टर्म्स ऑफ 3.6% भी जो यूएस कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 70% ऑफ टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ चार और कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम यूएस, ग्रीस, पोलैंड, यूके और एस्टोनिया, जिनका 2% से ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग है। अब धीरे धीरे और कंट्रीज भी अपना स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, गवर्नमेंट अनवील्स न्यू हाइड्रोकार्बन पॉलिसी। तो ये ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है, तो ये ओएलपी पॉलिसी, ये नई पॉलिसी नहीं है, जो गवर्नमेंट की जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसका ही पार्ट। एचईएलपी भी नई लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, पहले इससे पॉलिसी थी एनईएलपी, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, और अब जो ये है ओपन एकरेज, ये इसका ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ दिस। तो इसमें क्या है कि आप ओपन है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं,
तो क्या है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जो है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल है। तो एक्चुअली इंडिया में जो ये डेटा है नहीं हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ऑयल एंड गैस, ये पाए जाते हैं इन द सेडिमेंट्री बेसिन। तो जो सीस्मिक सेडिमेंट्री बेसिन डेटा है ये हमारे पास है नहीं, तो उसकी वजह से हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए 52% कहा जा रहा है, 52% अभी तक अप्रेज भी नहीं किया गया, और जो लास्ट ये अप्रेजल किया गया था वो 25 years अगो था। तो इसीलिए ये कंसर्न है, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। मतलब कि आपको वेट नहीं करना है कि गवर्नमेंट जब कोई एक्सप्लोरेशन ब्लॉक ओपन करेगी बिडिंग के लिए तो आप उसके लिए बिड करोगे, आप फ्री हो, आप एक्सप्लोर करो। तो ये अंडर वाटर वगैरह जो ये रीजन होते हैं, तो आप एक्सप्लोरेशन करो, और अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, यू कैन सिलेक्ट द एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स ऑन योर ओन, वही है यहाँ पे कंपनीज का ऑप्शन है। यू डोंट हैव टू वेट कि आप गवर्नमेंट फॉर्मल बिडिंग राउंड करेगी, फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर वो ब्लॉक बिडिंग के लिए रखे। तो ये एक पॉलिसी लाई गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी गवर्नमेंट सिर्फ बिडिंग 2 बार ही करती है, वाइस ईयर होता है जनवरी और जुलाई में, तो अगर ये पॉलिसी फंक्शन करती है इफेक्टिवली तो हम इसको बिडिंग के पीरियड्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, तो भी गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया है। इससे पहले जो रिसेंट बिडिंग हुई थी वो ये डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड बिड्स हुई थी। तो ये डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स एक्चुअली छोटे छोटे ऑयल फील्ड्स है जो डिस्कवर की गई थी, पर उनको प्रोडक्शन उधर स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पे जितना इधर पोटेंशियल है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता था, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। लेकिन अब विद बेटर टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि इफेक्टिव है, और इसके लिए इसका बिडिंग किया गया, पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट से दिस इज स्टिल एनकरेजिंग। और एक पॉइंट जो पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कई बार रखा है वो है अबाउट साउथ एशियन नेचुरल गैस हब। वो कहते हैं कि इंडिया में एक साउथ ईस्ट एशियन नेचुरल गैस हब बनाना चाहिए ताकि हमको डोमेस्टिक नेचुरल गैस की फेयर प्राइस मिल सके। तो गैस टू गैस कॉम्पिटिशन होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नेचुरल गैस प्राइसेस है वो ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड होते हैं, तो ऑयल इंडेक्स प्राइसेस होते हैं जो भी इम्पोर्ट किया जाता है। तो इस वजह से अगर ऑयल में जो वेरिएबिलिटीज होती है वो हमको नेचुरल गैस में भी फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए वो नेचुरल गैस के लिए स्पेसिफिकली एक हब डिमांड कर रहे हैं कि ये बनाया जाए। फिर ये अगला है रिगार्डिंग द न्यू ये रिगार्डिंग द डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स बिड। तो ये बिड में क्या डेवलपमेंट हुए वो यहाँ मेंशन है, और ये एचईएलपी और एनईएलपी के डिफरेंस मेंशन है। तो ये एचईएलपी जो प्रेजेंट पॉलिसी है और ये एनईएलपी जो ओल्ड पॉलिसी थी। तो एचईएलपी रेवेन्यू शेयरिंग है, तो एनईएलपी थी वो प्रॉफिट शेयरिंग हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी थी। मतलब जो कंपनी बिड जीत गई है वहां पे एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन करेगी, तो वो कंपनी जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी प्रॉफिट्स। और यहाँ पे एचईएलपी में रेवेन्यू शेयरिंग होगा, मतलब जो भी हो रहा है डेवलपमेंट, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो शेयर किया जाएगा। तो ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे एचईएलपी, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि रेवेन्यू टू गवर्नमेंट स्टार्ट्स ऑन प्रोडक्शन। और यहाँ पे रेवेन्यू कब स्टार्ट होगा, तो कॉस्ट रिकवरी भी अलाउ किया जा रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग भी कब होगा, जब आपने कॉस्ट रिकवरी पूरा कर लिया तो। तो यहाँ पे वही है, कॉस्ट रिकवरी के बाद जब प्रॉफिट होगा तो वो शेयर किया जाएगा। और यहाँ पे कॉस्ट रिकवरी का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो भी है वो शेयर किया जा रहा है, रेवेन्यू शेयर किया जा रहा है। तो है रॉयल्टी के भी वेरिएशंस दिए यहाँ पे, अगर ऑफशोर होगा तो लोअर रेट्स हो गए रॉयल्टी पे करने के, और इवन एक्सप्लोरेशन पीरियड डिफरेंस है, प्लस मेनली है कि एक्सप्लोरेशन इन माइनिंग लीज एरियाज भी यहाँ अलाउड है एचईएलपी में, और इवन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन अलाउड, सारे हाइड्रोकार्बन के लिए आप कर सकते हो, एनईएलपी में ऐसा नहीं। फिर अगला न्यूज आइटम है नीति आयोग मूड्स न्यू रेगुलेटर फॉर कोल गैस। तो नीति आयोग ने कहा है कि हमारे यहाँ पे सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए कोल के लिए, एक ऑयल एंड गैस के लिए। तो ये उन्होंने कहा है कि अब तक हमारे पास रेगुलेटर्स नहीं है, लेकिन अब होने चाहिए इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स। तो वो कह रहे हैं कि कोल सेक्टर अब तक ऑयल एंड गैस सेक्टर ये पीएसयू ही इसको डोमिनेट कर रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर ये थे नहीं ज्यादा, इसलिए जरूरत नहीं थी। पर अब जो सिनारियो चेंज हो रहा है तो इसलिए हमको इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स चाहिए, और ना सुपर रेगुलेटर के एक ही रेगुलेटर हो। उन्होंने कहा कि अभी नई नई इमर्जिंग एरिया है, तो अभी हमको अप्रोप्रिएट टाइम ये नहीं है कि हम सुपर रेगुलेटर बनाए, पहले हम इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स बनाएंगे, बाद में इवेंचुअली टारगेट यही होना चाहिए कि एक सुपर रेगुलेटर हो। जैसे वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सारे सोर्सेज जो है फ्यूल्स वगैरह वो कन्वर्ज होते हैं, फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए एक ही रेगुलेटर है, तो आइडियली वो फाइनली ऐसे हम प्लान करेंगे। तो वो कह रहे हैं, और ये सारा डिटेल्स जो उन्होंने ये ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी जो उन्होंने प्रिपेयर की उसमें मेंशन किया।
फिर अगला है वेस्टिंग हाउसेस $20 बिलियन न्यूक्लियर डील नीड्स अ रीबूट। तो ये वेस्टिंग हाउस जो कंपनी है यूएस न्यूक्लियर पावर कंपनी है और ये रिसेंटली पता होना चाहिए आपको कि इसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल की, तो ये बैंक्रप्ट हो गई है। तो इसकी इसको एक्चुअली खरीदा गया था बाय तोशिबा। तोशिबा एक जापानीज कंपनी है और अब वेस्टिंग हाउस ने एक्चुअली यहाँ पे इनिशिएट किया था डील। तो $20 बिलियन की डील है कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लांट्स बनाए जाएंगे इन इंडिया। तो ये इसका अब डील का क्या होगा वो क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं। तो ये NPCIL के साथ ये डील थी, तो अब इसको रिनेगोशिएट करने की जरूरत है वो क्लियरली सामने आ रहा है। तो ये प्रेजेंटली न्यूज में आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू USA, तो ये कहा जा रहा है कि वेस्टिंग हाउस ये डील को रीनिगोशिएट करेंगे और एक्सपेक्टेड ये है कि ये वेस्टिंग हाउस सिर्फ यहाँ पे डिजाइन और कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे रिएक्टर्स के लिए और इसके बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है वो इंडियन कंपनीज करें। तो ऐसे करके ये पूरा डील रीनिगोशिएट किया जाएगा। इवन यूएस एक्सिम बैंक ने इसको फाइनेंस करने का अश्योरेंस दिया था 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, तो कहा जा रहा है कि एक्सिम बैंक अभी भी न्यू अरेंजमेंट में भी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे। और ये वेस्टिंग हाउस डील एक्चुअली काफी टाइम से डिलेड है। तो इनिशियली वेस्टिंग हाउस का अलॉटेड साइट था इन गुजरात, पर आफ्टर दी तोशिबा आफ्टर दी जापानीज जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर, उसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट हुए ऑल ओवर इंडिया भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ प्रपोज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए तो फाइनली उनको आंध्र प्रदेश में साइट दिया गया। और एक जो कंसर्न इनके थे वो था रिगार्डिंग लायबिलिटी एक्ट। तो इंडिया की जो लायबिलिटी एक्ट है उसके अंदर प्रोविजंस थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइडिंग कंपनीज को यहाँ पे लायबिलिटी होगी, उनको पे करना होगा फॉर एनी डैमेज व्हिच हैपेंस। फिर और एक इशू जो था वो था न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। तो इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट पास किया था उसके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइडर्स के ऊपर भी लायबिलिटी थी, तो वो ये यूएस कंपनीज अपने पर नहीं लेना चाहती थी और ये प्रोजेक्ट और डिले हुआ। तो फाइनली अब जो है अब वेस्टिंग हाउस ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो अब इसके बाद ये डील का क्या होगा आगे डेवलपमेंट वही देखा जा रहा है। तो ये इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जो साइन की गई उसके बाद ये एक प्रोमिनेंट डील थी जिसको फाइनलाइज करने के चांसेस थे, पर ये भी अब तक हो नहीं पाई। तो वही है और ये डिटेल्स है जो तोशिबा नेटवर्थ और जो वेस्टिंग हाउस की लोन गारंटीज है वगैरह वो डिटेल्स है। ज्यादा डिटेल में आपको देखना नहीं है, जस्ट एन आइडिया। फिर अगला है श्रीलंका इंडिया टू सेट अप सोलर यूनिट्स। तो ये भी एक पुरानी न्यूज आइटम है जो हमने 2016 में भी डिस्कस की है रिगार्डिंग त्रिनकोमाली। तो ये त्रिनकोमाली एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। तो ये त्रिनकोमाली पोर्ट में यहाँ पे एक कोल प्लांट का प्रोजेक्ट था जो अवार्ड किया गया था NTPC को। NTPC इंडियन PSU कंपनी है। तो ये कंपनी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था इन सितंबर 2016, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि हमको कोल प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए क्योंकि वो एनवायरमेंट डैमेज करते, तो हमारे एनवायरमेंट कंसर्न्स के लिए हम ये प्रोजेक्ट इनिशिएट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम स्क्रैप करना चाहते। तब ऑल्टरनेटिव्स दिए गए कि इसकी जगह पे क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। तो यहाँ पे फिर नया प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया सोलर पावर प्लांट का। तब वही है कि सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट ये त्रिनकोमाली में इनिशिएट किया जाएगा। तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडिया और श्रीलंका का, तो वो अनाउंस किया वो बताया गया है, वो न्यूज है। प्लस और एक प्रोजेक्ट जो हमारा है वो LNG प्रोजेक्ट है। तो LNG प्लांट आएगा इन कोलंबो। तो कोलंबो जो पोर्ट है वो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे है श्रीलंका के, और ये त्रिनकोमाली इज ऑन द ईस्ट कोस्ट। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये हम्बनतोता पोर्ट जो काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है जहाँ पे चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है श्रीलंका में, इवन कोलंबो में भी और हम्बनतोता में। और एक चीज है त्रिनकोमाली में हमने जो एक और डील की है श्रीलंका के साथ है वो है ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर एरा ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज है, तो ये जॉइंटली ऑपरेट की जाएगी बाय इंडिया एंड श्रीलंका ताकि ये रीजनल पेट्रोलियम हब बनाया जा सके। तो उसके लिए भी ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये न्यूज है। फिर अगला है एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन सोलर पैनल्स रिड्यूस पावर जनरेशन बाय 17%। तो ये IIT गांधीनगर के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे स्टडी की है और यहाँ पे उन्होंने स्टडी से सामने आया है कि जो सोलार पैनल्स होते उनके ऊपर जो पार्टिकुलेट मैटर अक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से जो पावर कैपेसिटी है वो जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है बाय 17%। तो जो हम अगर 12 GW इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी है हमारी, तो उसमें से 2 GW लॉस हो जाएगा, 17% लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि डस्ट, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जो बायोफ्यूल
ना फॉसिल फ्यूल्स बायोमास बर्निंग की वजह से जो एमिट होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ अक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो काफी स्टिकी होते हैं और वो वहां पे रहते हैं। तो डस्ट होता है, डस्ट सबसे ज्यादा अक्यूमुलेट होता है। तो अगर आप पूरा ओवरऑल जो सोलर पैनल्स पे सैंपल्स कलेक्ट किया गया तो डस्ट 92% है और ये पार्टिकुलेट मैटर सिर्फ 8% है। पर फिर भी डस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे आ जाते हैं उनकी वजह से ये 17% रिडक्शन होता है। ऐसे है। और इनको क्लीन करने से, सोलर पैनल्स क्लीन करने से भी कोई एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती, क्लीनिंग काफी स्टिकी होते, तो इवन डैमेज भी हो सकता है सोलर पैनल्स को, तो ये डिफिकल्ट है। तो ये कंसर्न रेस किया गया है और ये कहा गया है कि इसके लिए वही है, हमको अपने कार्बन एमिशंस जो है ये पॉल्यूटेंट्स रिड्यूस करने होंगे एमिशंस। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है। फिर अगला है लास्ट न्यूज आइटम, डीएनए स्टडी सॉल्व्स डार्विनियन पजल। तो ये चार्ल्स डार्विन जो मिस्टर एवोल्यूशन कहा जाता है इनको, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिन्होंने दिया था, तो इन्होंने एक फॉसिल यहाँ जो डिस्कवर की थी उनको वो समझा ही नहीं कि ये कहाँ पे एवोल्यूशन ट्री में बैठेगा, ये जो एनिमल की फॉसिल है कब इवॉल्व हुए, कौन से एनिमल से इवॉल्व हुए। तो ये जो है वो काफी स्ट्रेंज एनिमल, इसको कहा जाता है स्ट्रेंजेस्ट एनिमल एवर डिस्कवर। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो किया दिया गया वो ये है कि समझो एक कैमल है लेकिन उसका हम्प नहीं है, और एक राइनो के स्लेंडर राइनो के फीट है वैसे इसके फीट है, और ये जो है नोज है वो स्नाउट जैसा नोज है, तो राइनो जैसे फीट, कैमल लेकिन हम्प नहीं है, लामा जैसी लंबी गर्दन और ये स्नाउट जैसा नाक जो है जो होता है ये ऐसे एंड ईटर्स का वगैरह ऐसे स्नाउट जैसा नाक होता है वो, और नॉस्ट्रिल्स जो है वो आंख के ऊपर। तो ऐसे करके ये एनिमल जो था ये आर्टिस्ट इमेज खिंचड़ी है कि कैसे एनिमल दिखता होगा। तो इसका फॉसिल जो पाया गया उसको वो बैठा ही नहीं पाया कि एवोल्यूशन ट्री में कहाँ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे रिसर्चर्स ने डीएनए यूज करके इसको, इसका जो पूरा एवोल्यूशन है वो समझा है। तो ये एनिमल को नाम दिया गया है मैक्रोकेनिया पेटेकोनिका। तो ये जो एनिमल है ये पहले माना जाता था लामा से फैमिली में बिलोंग करता है, पर अब ये सामने आया है कि इट इज बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ हॉर्सेस राइनोज एंड टापर्स। तो ये है एनिमल। और यहाँ पे इनको जो डीएनए स्टडी किया गया तो स्पेसिफिकली उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज किया। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एक सिग्निफिकेंस होता है सारे एनिमल्स में, सारे मैमल्स में भी, इवन ह्यूमंस में, कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये सिर्फ मदर्स से आता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर्स का है तो उस वजह से इसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो और क्लियरली पता चलता है, मिक्स नहीं है, और एवोल्यूशन ट्री में समझने के लिए भी वो बेनिफिशियल होता है। तो ये है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो जेनेटिक डिजीजेस होती है विथ रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, थ्री पेरेंट बेबी अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, तब ये डिस्कस किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर, सिर्फ मदर से आता है। और ये जो इमेजरी है ये डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, यहाँ मेंशन किया गया कि क्रिएचर लाइनेज दे कंटिन्यूड। तो ये जब डायनासोर नॉन एवियन डायनासोर मतलब जो उड़ नहीं पाते थे, जो लैंड पे थे, वो डायनासोर अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो गए थे बाय अ मासिव एस्टेरॉयड जो अर्थ पे उसका इम्पैक्ट हुआ था। तो उस वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, तो वो दिखाया गया। तो ये सेंट्रल अमेरिकन रीजन में यहाँ पे ये एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ था, और ये एस्टेरॉयड छोटा सा मतलब एक बॉल के ऊपर एक डस्ट पार्टिकल का इम्पैक्ट जो है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। ये है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पे बताया गया है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो डीएनए वो दोनों पेरेंट्स से आता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से आता है, क्योंकि स्पर्म और एग जब मीट करते हैं तो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर्स से आता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो वही है, यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।